देखो भाइयों, अब मुझे एक ही रास्ता समझ आ रहा है, भूख मिटाने का कि रात बिताने का। साले के हड़प्पा में से निकला है जन्मों का भूखा। भाई मनोज, मैं तो कहता हूँ आज हम दोनों ना इस मच्छी को तल के खाते हैं। ओए यार बकवास बंद करो, मुझे ये इस मुसीबत में से निकलने का एक ही रास्ता समझ में आ रहा है। क्या? देखो, जैसा कि तुम लोगों ने सुना कि मकसूद इस सीडी के मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है, क्योंकि उसका सारा बिजनेस इसी से चलता है। तो अगर हम उसको ये सीडी दे ही इसी शर्त पे कि वो हम तीनों को जाने देगा, तो शायद बात बन सकती है। इससे हम तीनों की जान भी बच जाएगी और मकसूद का भी नुकसान नहीं होगा। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है मकसूद के फायदे नुकसान की। बेटा उसके पास जाएगा ना तो पहले तेरा पिछवाड़ा तोड़ेगा, फिर तेरे से बात करेगा। और वो क्या कहते हैं, हाँ, beggars are not choosers। और सुन, ये बंदूक वाले और संदूक वालों में बहुत फर्क होता है, और तेरे पास तो संदूक भी नहीं है। तो ये सापन ब्रेड पे लगा के खाता है। बड़ा है नेगोशिएट करने वाला। सीधी ले लो, जान बख्श दो। हाँ जी श्रीमान जी, सीढ़ी ले लो, जान बख्श दो। अच्छा भाई, जब तेरे से पहले आराम से बोली थी, फिर क्यों नहीं दी तूने? मैं डर गया था। अबे हकला तो ठीक से ले, ला 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 नहीं, मैं डर गया था, बोल। साहब जी, आपको भयानक बोल रहा है, कह रहा है कि आपको देखकर डर गया था। अच्छा जी, जरा भाई इसको पकड़िए, लाओ। अब जब इसने हमको भयानक कह ही दिया है, तो इसको अपनी भयानकता का परिचय अब दे ही देते हैं। साले, साले को बंद कर, साले का गाल किसके पास है सीडी? अबे तुम्हारा पिछवाड़ा उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है? सांस भी ऊपर से नीचे आ रही है, कहीं मैं मर तो नहीं गया? अरे नहीं मरा तो मार देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब उल्टे क्यों दिखाई दे रहे हो? अबे भूतनी के, मैं उल्टा नहीं खड़ा, तू उल्टा टंगा है, टंगा है, टंगा है, टंगा है। इंस्पेक्टर, प्लीज मेरे को नीचे उतार दो ना। अच्छा नीचे मत उतारो, सीधा कर दो। क्या मुझे बहुत जोर से सुसु आई है, प्लीज इंस्पेक्टर साहब। अबे ऐसे ही कर ले। ऐसे कर ले? इंस्पेक्टर साहब ऐसे करूंगा तो आधा मेरे मुंह पे और आधा आपके गिलास में जाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब रुक जाओ, हम आपको सब बताते हैं, मारना बंद करोगे तो बताएंगे ना। पूरी कहानी तो हमारे पीछे टाइप कर दी आपने शॉर्ट एंड में। चलो टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो जाओ, वरना किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। सर दरअसल बात यह है कि तो सर ऐसे हो गया। ये बात है। अच्छा सीडी किसके पास है? मच्छी के पास। अबे तेरा और सीडी का कोई चक्कर है क्या? और तुझे एंटरटेनमेंट की चीजों से कुछ ज्यादा ही प्यार है? चुपचाप सीडी इधर दे दे। वो अगली पॉकेट में है, गीली होगी होगी। और रामकिशन। जी साहब। और खोल दे इसको यार। तेरी। सर हम फंस गए हैं सर, हमको आपकी हेल्प की जरूरत है। जब फिल्म बना रहा था तब तो कही तूने कि सर आपकी हेल्प की जरूरत है, और जब घोड़े लग गए तो सर की याद आ रही है। मर गया क्या? सीढ़ी दे। रामकिशन इधर आओ। जी साहब। ये सीढ़ी ले और इसके सारे खाते खोल डाल। ठीक है साहब। अब हमें मकसूद को रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा, और इसमें तुम सब पुलिस का साथ दोगे,
और अगर साथ नहीं दिया ना तो इसे तो उल्टे पांव लटकाया था। बॉडी में और भी पार्ट होते हैं लटकाने के लिए। मकसूद भाई वो तीनों आए थे मगर वहीं से भाग गए। वो कुछ देके नहीं गए मकसूद भाई, आप मुझ पर यकीन करो। मुझे पानी से निकाल दो मकसूद भाई, प्लीज पानी से निकाल दो, मेरा दम घुट रहा है मकसूद भाई, प्लीज पानी से निकाल दो। अबे तुझे कैसे पता पानी है सुसु? खुशबू नहीं आई? बजा। हेलो हेलो मकसूद भाई। अरे अरे आपने कैसे कॉल किया? हाउ डिड यू कॉल? आई वाज जस्ट यादिंग यू एंड गाली देंग एंड सुसु को सुसु में डुबोइंग। वो मकसूद भाई आज तक जो कुछ भी हुआ ना, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगना चाह रहा था। माफी गई आई लेने, जल्दी आ सीडी देके जा। हाँ मकसूद भाई, वो सीडी तो मेरे पास ही है। मैं क्या कह रहा था मकसूद भाई, आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। वो जो सीडी आपने मेरी बनाई थी ना, अगर आप उसकी सारी कॉपीज मेरे को दे देते तो। अरे बेटा तू पहले इधर आ तो जा, तेरी खातिर के ऐसे इंतजाम किए हैं कि यू विल रिमेम्बर द मिल्क यू हैड इन सिक्स। हाँ भाई क्या बोल रहा था वो? कुछ मिल्क बोल रहा था। अरे मिल्क नहीं, मिल्के बोल रहा होगा। अरे तू वो सीडी दियो मेरे को जरा। तू मेरे लिए अपनी कुर्बानी देगा? तू ही मेरा सच्चा भाई है। चलो ए, कोई कुर्बानी नहीं, तू भी मेरे साथ चलेगा। मैं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा मेरे को क्या, मैं भी जाऊंगा। चलो जहां चलना है चलो। जेबों की तलाशी लो। तुम्हें क्या लगता है मकसूद भाई मैं सीडी जेब में लेके घूमता हूँ? लेकिन सीडी है मेरे पास ही है, पर मैं आपको दूंगा तब जब आप मुझको मेरी सीडी की सारी कॉपीज वापस दोगे। अच्छा हीरो है, है? नेगोशिएट करेगा, ये देखा है ना? पंजाबी! अबे पक गया था जो डाली से टपक पड़ा। अब्दुल्ला कभी किसी सरदार का नाम सुना अब्दुल्ला? बेटा जो बेगानी शादी में टपक पड़े ना उसको अब्दुल्ला ही बोलते हैं। जल्दी बता कौन कौन तेरे साथ है वरना गोली मार दूंगा। मकसूद भाई सारा प्लान इसका था, मनोज का। ये कह रहा था कि मकसूद से, मेरा मतलब मकसूद सेठ से इस सीडी के ना पैसे ऐंठेंगे। मकसूद भाई मेरे को जाने दो, मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अब आप बताओ मजे इसने लिए, सीडी आपकी है, मैं फालतू में यहाँ मजे ले रहा हूँ। मकसूद भाई मेरे को जाने दो ना। बेटा अब तो यहाँ से वापस वही जाएगा जिसके पैरों की किस्मत में वापस जाना लिखा होगा। ये कह रहा है तेरे पास है सीडी निकाल। मेरे पास कोई सीडी वीडी नहीं है, सीडी तो इस मच्छी को दी थी। ओ पाजी बिल्कुल बकवास कर रहा है, मेरे पास कोई सीडी वीडी नहीं है। हाँ घर पे एक सीडी है जिसपे चढ़ के मैं रोज पतंग उड़ाता हूँ, कहते हो तो वो दे दूंगा। चुप। अब जो डिसाइड करेगी ना ये पिस्तौल की गोली डिसाइड करेगी। ओए अपने गॉड को रिमेम्बर कर ले। वाहिगुरु अब बस हुक्म का इंतजार है। और उसका हुक्म ये है कि इस बंदे को फौरन मेरे पास भेजो। क्या? हाँ ए ए वन टू सुसु भाई को अंदर पकड़ के रखा है। चलो अंदर धज्जे उड़ा दो सालों की। चलो चलो चलो, चलो। मनोज सीडी पकड़। चलो 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 च
मामा। अच्छा मौका है यहाँ से निकलने। नहीं मामा, मैं मकसूद को सबक सिखाए बगैर नहीं जाऊंगा। अरे भागे भागे। मकसूद, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने सारे देवताओं में पहलवान ही मिला था बस। अबे मच्छी, सुबह से दौड़ा दौड़ा के कोलू का पैर बना रखा है। अबे बॉक क्यों नहीं देता कि सीढ़ी कहाँ है? अबे जब मेरे पास है ही नहीं तो क्या मैं अभी बता दूँ कि गाड़ी की डिक्की में है? तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। अबे मिर्गी आ गई क्या? तो साले मारूंगा एक। चिड़िया, तोता, मैना, बटेर, चील। अरे मच्छी रुक जा। देख एक बात क्लियर कर दूं। ओ ये मकसूद है और मैं हुकुम सिंह हूँ। ओ भाई एक बात बता दे, ओ तू किसकी तरफ से खेल रहा है? सर मैंने किसी और की तरफ जाके मरना है? मैं तो आप ही की तरफ हूँ। अबे तो बार बार मुझे क्यों मारता तू यार? ओ पकड़ उसको, पकड़। Come on! इतना शुद्ध माल है कि खुशबू से ही चक्कर आ गए। कौन है बे तू?
अबे इतनी बदबू आ रही है तेरे से, अबे पैजामे में पेशाब करता है क्या? मैं क्या बोला था सर? ए, आदमी से कर। आ जाते हैं गंदी नाली के कीड़े। अबे क्या बोला तू? गंदी नाली का कीड़ा बोला तू? कीड़ा बोला तू? गंदी नाली का कीड़ा बोला तू? इधर इधर चल 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 इधर तू क्या बोला? कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि गन भी अब अपने पास है और सीढ़ी भी। ए, चलाप, चलाप। खैर मकसूद और उसका चांडाल गैंग पकड़ा गया और इसके साथ उसका सीडी पायरेसी का धंधा भी बंद हो गया। सुसु पांडे और उसकी बहन के लड़के को भी पुलिस ने धर दबोचा और हुकुम सिंह की नौकरी जाते जाते बच गई। राघव ने भी अपने किए हुए कांड की मुझसे माफी मांग ली और फाइनली पुष्प को एक गर्लफ्रेंड मिल गई। और यही नहीं, मच्छी की कहानी भी प्रोड्यूसर ने खरीद ली और मैं इधर आओ। ओके, ये सब हुआ कैसे बताता हूं। भाई अब ना अपने पास भी पैसा होगा, गाड़ी होगी, ऐशी ऐश होगी भाई, ऐशी ऐश। और सुन, अब ना ये करोलबाग में नहीं रहेंगे, अब हम रहेंगे चिक्के में, वो भी एम ब्लॉक। भाई क्या हुआ, तुम लोग ये पके हुए आम की तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? वो इंस्पेक्टर आया था। हैं? हुकम सिंह? क्या बोला? वो बोला कि जो सीढ़ी तूने उसको लॉकअप में दिखाई थी ना, हाँ? वो सीडी भी वो सीडी नहीं है जो हुकुम सिंह और मकसूद भाई को चाहिए थी। अबे उस सीडी में राजस्थानी लोकगीत थे। अरे 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 क्या? हाँ तो वो सीडी कहाँ है? तो साले वही तो, कहाँ गई सीडी? तुझसे एक काम बोल रहा था, तुझसे वो भी ठीक से नहीं होता, ये सारी इसी की गलती है। अबे मार इसको, मार।